यथा यता भासो भाषो तमः शब्द ऋते अर्थम सार यत जो प्रतीयत प्रतीत होता है न नहीं प्रतीत प्रतीत होता है चा तथा आत्मनि मेरे प्रसंग में वह विद्या तुम्हें जानना चाहिए आत्मन मेरी माया यथा जिस तरह आभाष प्रतिबिंब यथा जिस प्रकार तम अंधकार अनुवाद हे ब्रह्मा जो भी युक्त प्रतीत होता है यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है इसे मेरी माया जानो इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है तात्पर्य का दूसरा भाग हम पढ़ेंगे किंतु विचारवान पुरुष स्वयं भगवान से उपदिष्ट ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा में से जिन्हें भगवान ने स्वयं उपदेश दिया था या अर्जुन की शिष्य परंपरा से जिन्हें स्वयं भगवान ने गीता का उपदेश दिया प्रबुद्ध होते हैं उसे भगवान का यह कथन मान्य होता है अहम सर्वस्व प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते मजनते भाव समान भगवान समस्त तेजों तथा जो कुछ भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुआ है पालित है और विनाश को प्राप्त होता है उन सबके मूल स्रोत है जो विचारवान मनुष्य इसे जान लेता है वही वास्तव में विद्वान है और वही भगवान का शुद्ध भक्त बनकर भगवान की प्रेमा भक्ति में रत होता है यद्यपि अल्पज्ञानी के समक्ष भगवान की प्रतिबिंबक शक्ति अनेक भ्रम उत्पन्न करती है किंतु विचारवान व्यक्ति जानता है कि भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हमारी दृष्टि से दूर से दूर तर स्थान में रहकर उसी प्रकार कार्य कर सकते हैं जिस प्रकार दूर स्थान में रखी अग्नि गर्मी तथा प्रकाश फैलाती है प्राचीन ऋषियों के औषधि विज्ञान आयुर्वेद में भगवान की श्रेष्ठता को निम्नलिखित शब्दों में स्वीकार किया गया है जगद्योनेर चदानन्दे करूपिणा पुमसोस्ति प्रकृतिर्नित्या प्रतिच्छायेव भास्वतः अचेतनापि चैतन्य योगेना परमात्मनः अकरुद्विश्वमखिलं अनित्यं नाटकाकृतिं इस विश्व का एक जनक है जिसे परम पुरुष कहते हैं और जिसकी शक्ति प्रतिबिंब रूप में चकाचौंध करती हुई भौतिक प्रकृति के रूप में कार्य करती है प्रकृति के ऐसे ब्रह्मपूर्ण कार्य से मृत पदार्थ भी भगवान की जीवित शक्ति के सहयोग से गति करने लगता है और अज्ञानी नेत्रों को यह भौतिक जगत नाटक के खेल की तरह प्रतीत होता है अतः हो, प्रकृति के नाटक में अज्ञानी पुरुष विज्ञानी अथवा शरीर क्रिया विज्ञानी भी हो सकता है किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि प्रकृति भगवान की माया है ऐसे निष्कर्ष है जिसकी पुष्टि भगवत गीता द्वारा होती है यह स्पष्ट है कि जीवात्मा भी भगवान की ज्येष्ठा शक्ति के प्रदर्शन स्वरूप है जिस प्रकार भौतिक जगत भगवान की कनिष्ठा शक्ति का प्रदर्शन है भगवान की ज्येष्ठा शक्ति कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकती यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में थोड़ा ही अंतर है जितना कि अग्नि तथा ताप में है अग्नि में ताप होता है किंतु ताप अग्नि नहीं है अल्पज्ञानी की समझ में इतनी सामान्य बात नहीं चढ़ती और वह झूठे ही अग्नि तथा ताप को एक ही बताता है अग्नि की इस शक्ति को सीधे अग्नि ना काकार उसका प्रतिबिंब कहा गया है अतः जीवात्मा के रूप में जीवित शक्ति का प्रदर्शन भगवान न होकर भगवान का प्रतिबिंब होता है भगवान का प्रतिबिंब होने के कारण जीवात्मा का अस्तित्व भगवान पर आश्रित है जो मूल प्रकाश है इस भौतिक शक्ति की तुलना अंधकार से की जा सकती है क्योंकि वह वस्तुतः अंधकार स्वरूप होती है और अंधकार में जीवात्माओं के कार्यकलाप मूल प्रकाश के भी होते हैं इस श्लोक के आधार पर भगवान को समझना होगा भगवान की दोनों शक्तियों की अपराशिता को माया या भ्रम कहा जाता है केवल प्रकाश के प्रतिबिंब से अविद्या जन्य अंधकार को दूर करना मुश्किल है इसी प्रकार सामान्य पुरुष के प्रतिबिंबित प्रकाश से इस भौतिक संसार से बाहर निकल पाना कठिन है जब तक मूल प्रकाश से प्रकाश प्राप्त न हो अंधकार में सूर्य का प्रतिबिंब अंधकार को दूर करने में असमर्थ रहता है किंतु प्रतिबिंब से बाहर सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर कर लेता कर देता है यदि कमरे में अंधकार हो तो कोई भी वस्तु नहीं दिखती इसीलिए अंधकार में मनुष्य को सांपों तथा बिच्छों से भय लगता है, भले ही वे वहाँ पर न हो किंतु प्रकाश में कमरे की सारी वस्तुएं स्पष्ट दिखती है और सांप बिच्छों का भय भी तुरंत जाता रहता है अतः मनुष्य को भगवान के प्रकाश की जैसे गीता या श्रीमद् भागवत की शरण ग्रहण करनी चाहिए किंतु ऐसे प्रतिबिंब पुरुषों को कि नहीं जो भगवान के संपर्क में नहीं रहते किसी भी मनुष्य को गीता या श्रीमद् भागवत का श्रवण ऐसे पुरुष से नहीं करना चाहिए जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखता आस्तिक नहीं है ऐसे व्यक्ति का विनाश होना ही है और ऐसे पुरुष की संगति करता है जो और जो ऐसे पुरुष की संगति करते हैं उसका भी विनाश होता है पद्म पुराण के अनुसार भौतिक ब्रह्मांड सारे सारे अंधकार से पूर्ण है सभी जीव ब्रह्मा से लेकर नगण्य चिटियों तक अंधकार में ही उत्पन्न होते हैं और इसके लिए कि वे भगवान को प्रत्यक्ष देख सके है भगवान से प्रकाश प्राप्त करने की आवश्यकता होती है जिस प्रकार सूर्य को सूर्य से सीधे प्रकाश द्वारा ही देख पाना संभव है किसी भी दीपक या मनुष्य निर्मित के प्रकाश से सूर्य को नहीं देखा जा सकता भले ही वह कितना भी शक्तिशाली हो सूर्य अपने को स्वयं प्रकाशित करता है अतः भगवान की विभिन्न शक्तियों के कर्म को अथवा भगवान को अहितु की कृपा द्वारा प्रकट किए जाए गए प्रकाश से ही अनुभव किया जा सकता है निर्विशेष वादियों का कहना है कि ईश्वर देखा नहीं जा सकता ईश्वर को तो ईश्वर के प्रकाश से ही देखा जा सकता है मानवीय चिंतन द्वारा नहीं या इस प्रकाश को विशेष रूप से विद्यात कहा गया है जो ब्रह्मा के लिए भगवान का आदेश है भगवान का यह प्रत्यक्ष आदेश उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है और इसी शक्ति विशेष द्वारा भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया जा सकता है ऐसा नहीं है कि केवल ब्रह्मा को ही ऐसा अवसर प्राप्त हो अपितु तो जिस किसी पर भगवान की कृपा होती है वह अंतरंगा शक्ति के के द्वारा कल्पना बिना ही श्री भगवान कल्पना के बिना ही श्री भगवान का साक्षात्कार कर सकता है ओम ज्ञान दर्शन हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम, राम 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 हरे 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 कृष्णा कल हमने पहले के तात्पर्य में देखा इसी श्लोक के है कि भक्त और जो नास्तिक है उनको भगवान का दर्शन किस प्रकार होता है मतलब नास्तिक जो होते हैं वो माया के आश्रय में रहता है और जो भगवान का भक्त होते हैं हमेशा दिव्य शक्ति के भगवान के सीधे शरणागत होते हैं वो दिव्य शक्ति के आश्रय में रहता है और जो माया में रहते हैं वो मतलब भगवान को समझ नहीं सकते हैं वो उनको सब कुछ माया दिखता है और यहां स्पष्ट भगवान कहते हैं कि जो मेरे संबंधित नहीं है वो सब माया है उसको तुमको वास्तविकता नहीं है उसको माया ही समझना है तुमको ये भगवान स्पष्ट कह रहे हैं इसलिए हम समझ सकते हैं कि जो नास्तिक है भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं वो माया के द्वारा बिल्कुल झकड़ा हुआ है उसको माया के अलावा कुछ नहीं दिखेगा कहा है भगवान वो ऐसे बोलेंगे तो ये हमने दो पॉइंट देखे कल और आज जो भक्त है बुद्धिशाली व्यक्ति है वो भगवत गीता के इस श्लोक के आधार पर तुरंत ही बोल देगा कि नहीं ये सब कुछ उत्पन्न होता है भगवान की कृपा से उसका पालन भगवान की कृपा से होता है और इसका विनाश भी भगवान की इच्छा से होता है तुरंत वो समझ जाता है इस जगत में जो भी कुछ देखता है वो सब भगवान के संबंध में ही देखता है और इसीलिए कहते सब कुछ कृष्ण ही है तो इसका मतलब ये मायादी की तरह नहीं है सब कुछ कृष्ण यानी खंबा भी कृष्ण ही है इसकी खम्भा की पूजा करो नहीं सब कुछ कृष्ण है मतलब सब कुछ कृष्ण की शक्ति है ये सब भक्त समझते हैं प्रभुपाद यह कहते हैं कि विचारवान पुरुष जो भक्त लोग होते हैं स्वयं भगवान से उपदेश ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा से जिन्हें भगवान ने स्वयं उपदेश दिया था या अर्जुन की शिष्य परंपरा से जिन्हें स्वयं भगवान ने भगवदगीता को उपदेश दिया उनसे प्रबुद्ध होते विचारवान मनुष्य यानी व्यक्ति सीधा भागवतम पढ़ेगा गुरु के आश्रय में या भगवदगीता पढ़ेगा या दोनों पढ़ेगा वो ही विचारवान और बुद्धिशाली है वो क्या समझते हैं वो भगवान के इस कथन को मान्य रखता है अहम सर्वस्व प्रभव मत सर्व कुछ मेरे तेमाम उत्पन्न होता है मत्ता सर्वम प्रवर्तते मेरी ही सब शक्ति से सब होता है मैं ही सबका कारण हूं इति मत्वा भजन्ते माम ऐसा बोल के जो मेरी भक्ति करता है वो बूधा शियार बुद्धिशाली है और मेरे बुधा भाव जो मेरे भाव को प्राप्त करता है वो भाव लेवल पहुंच प्राप्त कर सकता है भगवान के साथ ये कितनी सरल बात है हुँ? कि भक्तों के लिए माया है ही नहीं क्योंकि उनको कहीं भगवान के संबंध के बिना कुछ नहीं दिखता है ये हमें समझना चाहिए जहां हमको भगवान के संबंध के बिना कुछ दिखता है वो माया है ये इस श्लोक का सार है कि भक्त कहीं पे भी भगवान की शक्ति के संबंध के बिना कुछ नहीं देखेगा और अभक्त माया के कुछ नहीं देखेगा ये दोनों में डिफरेंस है यहां प्रभुपाद बहुत सारा बताते हैं लेकिन दो तीन पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है मतलब सब महत्वपूर्ण है लेकिन हमारे पास समय कम है इसलिए हम मैं वो दो तीन पॉइंट को हाईलाइट करूंगा पहला पॉइंट है कि जैसे अंधकार में रहने वाला व्यक्ति वो अंधकार को दूर स्वयं दूर नहीं कर सकता चाहे वो हम सब जीवात्मा है हम सब भगवान के अंश है और हम भगवान की शक्ति है इसीलिए हमारा और भगवान में ज्यादा भिन्नता नहीं है हम भगवान की शक्ति है फिर भी हम माया में है जब अंधकार में है तो हम प्रबुद्ध नहीं हो सकते हैं अपने आप से नहीं प्रबुद्ध हो सकते हैं जैसे सूर्य उदित हुआ है लेकिन हम अंधकार अंधेरे कमरे में है तो हम सूर्य के दर्शन नहीं कर सकेंगे लेकिन जैसे ही हम सूर्य के संग में आएंगे पूरा अंधकार दूर हो जाएगा लेकिन हम प्रकाशित नहीं हो सकते है। हम हैं भगवान की शक्ति फिर भी तो ये पॉइंट प्रभुपाद ने यहां बहुत अच्छी तरह समझा है कि आ, केवल प्रकाश के प्रतिबिंब से अविद्या जन्य अंधकार को दूर करना मुश्किल है हम प्रकाश के प्रतिबिंब हम भगवान के प्रतिबिंब में अंश है, है फिर भी अज्ञान अविद्या जन्य अंधकार को दूर करना हमारे लिए मुश्किल है इसीलिए हां इस आ, इसी प्रकार सामान्य पुरुष के प्रतिबिंबित प्रकाश से इस भौतिक संसार से बाहर निकल पाना कठिन है मतलब कोई भी व्यक्ति कोई उपदेश दे उससे बाहर निकल पाना मुश्किल क्योंकि सब प्रतिबिंब है सब अंधेरे में बैठे हैं तो कितने भी लोग होंगे कोई फायदा नहीं सब अज्ञानी होंगे हम अज्ञानी है इसीलिए कोई अज्ञानी कुछ भी बड़ा लेक्चर देगा फिलोसॉफिकल तो जो नहीं होगा उसको तो हाँ ये बहुत, बहुत अच्छा बोल रहा है है ना ऐसा अभी चल रहा है ना कोई भी नहीं बोलेगा अरे वो तो बहुत अच्छा क्लास देता है मतलब आ, कभी कभी हम नए भक्त आते हैं बोले हम इस, इस महाराज का सुन रहे मतलब इस कौन के बाहर का ये बहुत अच्छी कथा करते हैं ऐसा ऐसा हम सुन बहुत अच्छी कथा करते वो तो उसको मालूम नहीं है कि वो अंधकार में वो भी अंधकार में है और वो ना तो कोई परंपरा में है इसीलिए वो जो हमको दे रहा है वो हमारा हृदय का अंधकार हमारा अज्ञान जन अंधकार दूर नहीं होगा ये प्रभुपात कहना चाहते यहाँ जब तक मूल प्रकाश से प्रकाश प्राप्त ना हो तो मूल प्रकाश से प्राप्त कैसे होगा प्रकाश ये प्रभुपात कहते हैं कि अतः मनुष्य को भगवान के प्रकाश की जैसे भगवत गीता या श्रीमद भागवतम की शरण ग्रहण करनी चाहिए किंतु ऐसे प्रतिबिंब रूपी पुरुषों को कि नहीं जो भगवान के संपर्क में नहीं रहते हैं ये पूरा स्पष्ट हो रहा है हमको कि हमें क्यों नहीं सुनना चाहिए ऐसे लोग जो परंपरा में नहीं आते हैं क्योंकि वो शास्त्रों के प्रकाश को हम तक पहुंचाएगा नहीं क्योंकि उसके पास प्रकाश नहीं पहुंचा है शास्त्र का वो समझा नहीं परम सत्य क्या है अच्छा बोलता है लोगों को लगता है कितना अच्छा ज्ञान देते राम की बात करते हैं कृष्ण की बात करते हैं की बात बात करते करते हैं हैं सब लेकिन वो उनका ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से नहीं प्रबुद्ध नहीं है ये प्रबुद्ध व्यक्ति से प्राप्त करना पड़ेगा ज्ञान जैसे हम ब्रह्मा जी से प्राप्त करते हैं अर्जुन से प्राप्त करते हैं ऐसे वो व्यक्ति प्रबुद्ध व्यक्ति से प्राप्त करेगा तो ही वो अज्ञान के अंधकार को सबके श्रोताओं के अज्ञान के अंधकार तो दूर कर सकेगा नहीं तो श्रोता को माया में ही रखेगा ये क्लियर हो रहा है बिल्कुल कि हम इसीलिए बहुत जगह बारंबार यही बोलते हैं कि ये कथाकार जो होते हैं मायावादी तो ये है ही लेकिन जो Uh, उनका उद्देश्य धन प्राप्त करना है प्रोफेशनल डिसाइडर उनसे कभी भी कथा नहीं सुनती इसका रीजन ये है क्योंकि वो प्रकाश नहीं दे पाएगा वो अज्ञान के अंधकार में है और बाकी जो सुनने वाले भी अज्ञान के अंधकार में और दोनों अंधकार के अज्ञान अं, के अंधकार में तो किस प्रकाश कहां से आएगा तो प्रकाश ज्ञान के स्रोत से आना चाहिए भगवान से आना चाहिए ये बहुत स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर बात है कि हमें हमेशा भागवत हम और भगवत गीता के शरण में जाना चाहिए वाया गुरुम। गुरु के माध्यम से ही जाना चाहिए नहीं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्त ऐसे वो भी कथा करते हैं लेकिन गुरु शिष्य मत परंपरा का जो ज्ञान वो प्रस्तुत नहीं करेंगे तो लोगों को अज्ञान दे रहे मतलब ऐसा नहीं है कि गुरु शिष्य परंपरा में आ गया व्यक्ति इसीलिए जो भी बोलेगा वो सब ज्ञान ही होगा नहीं इसीलिए कभी कभी कोई बोलते हैं मेरे गुरु मत ऐसे कहते हैं नहीं तुम्हारा गुरु मत ऐसे कहते हैं लेकिन वो अपने गुरु महाराज से सुना है उन्होंने ऐसा कभी बोलते हैं क्या वो गुरु शास्त्र के हिसाब से बोलते हैं यदि नहीं तो गलत है हमें ये समझना चाहिए मतलब सिर्फ में परंपरा में आने से ही कुछ नहीं होगा हाँ ये तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है परंपरा में जुड़ना तो बड़ा आशीर्वाद है लेकिन परंपरा में जुड़ने के बाद भी अपना अज्ञान प्रस्तुत करना और ऐसे मायावादी की कथा सुनना और उस कथा में से मनोरंजन की चीज प्राप्त करके अपनी कथा में बोलना ये अज्ञान देना है लोगों को लोगों को हम अंधेरे में से नहीं निकाल सकेंगे स्पष्ट बात है इसीलिए प्रभुपाद बार 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 बोलते एक बार नहीं एक बार बोलते तो हम समझते चलो ठीक है लेकिन ये मायावादी कथाकारों के लिए नहीं है ये हमारे लिए भी है यदि हम भी शास्त्र में नहीं है वो बात प्रस्तुत करेंगे तो हम भी हमारे सुनने वाला श्रोता को अज्ञान उनके हृदय से अज्ञान दूर नहीं कर पाएंगे ये हमें समझना है इसीलिए हम लोगों को बहुत सावधान रहना है शरण में शरण में हमेशा शरण में रहना है शरणागति हम थोड़े भी शरण से बाहर निकल गए थोड़ी भी अपनी मनमानी करने लगे तो हमारा बहुत बड़ा पतन हो सकता है लोगों को अच्छा लगता है हमको हम ऐसा करेंगे थोड़ा सा इधर उधर उन्नीस बीस करेंगे तो लोगों को लगेगा ये अच्छा वक्ता बहुत अच्छा है उसका सुनना चाहिए लेकिन हमारा हृदय का अज्ञान दूर नहीं होगा लोगों का लेक्चर लाख लाख बार कोई सुनते हैं लेक्चर या ऐसी मोटिवेशनल स्पीच लेकिन वो अंधकार दूर नहीं करेगा इतना बार बार सुनने के बाद भी बोले कि ये बहुत अच्छा प्रभु जी हम का सुनते हैं ये बहुत ही अच्छा वो बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं और फिर उससे और आगे बात करेंगे बोले तो मैं हम दुर्गा माता को भी हम पूजा करते हैं ये सब बात होते हैं सब देवता ठीक है एक ही है, है अभी आप समझो क्यों अज्ञान का अंधकार दूर नहीं होता है वो तो परंपरा में है ऐसा होता है कि वो परंपरा के ज्ञान को प्रस्तुत नहीं करता है थोड़ा बहुत प्रभुपाद गीता के प्रस्तावना में कहते हैं कि भगवत गीता भगवान ने बताई ऐसी ही कहनी चाहिए हमको ऐसा नहीं कि मुझे ये अच्छा लगता है मैं ये बोलूं ये अच्छा नहीं लगता है वो नहीं बोलूंगा नमाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यंत नरा जो मूर्ख है अस, आ, सब नरादम है नरो में अधम है दुष्कृतिन है हु? और जिनका माया के द्वारा डॉक्टर है बड़े बड़े विद्वान डॉक्टर इंजीनियर ये सब विद्वान जिसका ज्ञान माया द्वारा हरा लिया गया है हा? वो मेरे शरण में नहीं आते ये नहीं नहीं ये बस इसको हम लोगों को प्रस्तुत नहीं करेंगे हम तो अच्छी अच्छी बात मन मना भक्तो भगवान के शरण में जाओ हुँ? यही बात प्रस्तुत करेंगे यस पर ये बात समझना जरूरी है तो कहते हैं कि हमको कोई चीज अच्छा लगे उसको ग्रहण करो जो अच्छा नहीं लगे उसको मत बोलो नहीं इसीलिए देखो कोई कोई क्या बोलते हैं हम सर्वस्व प्रभु मेरे में से ही सर्व उत्पन्न होता है मैं ही परम पुरुष वो ईश्वर परम मैं मैं परमेश्वर हूं ये लोग प्रस्तुत नहीं कर सकते जो जो भगवत गीता को ठीक तरह से प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं या क्यों क्योंकि नहीं तो फिर उनके श्रोतागण चले जाएंगे इसीलिए वो क्या करता है ये पोर्शन को छोड़ देता है कि भाई नहीं 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 सब अच्छे हैं सब अच्छे हैं और वहां तक कि वो ये भी बोलना छोड़ देता कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है ये बोलना भी छोड़ देगा कोई कोई ऐसे बोलते नहीं कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है पर ये जो मूर्ख ये भगवान सबको मूर्ख कहते हैं वो सबके सामने प्रस्तुत नहीं करना है तो एक प्रकार के ये लोग हैं वो भी अज्ञान ही प्रसारित कर रहे हैं और जो ये तो प्रस्तुत करते ही नहीं है हा? माया अप्य ज्ञाना नो ये प्रस्तुत नहीं करते है लेकिन वो कृष्ण को भी पूर्ण पुरुषम परमेश्वर प्रस्तुत नहीं करेंगे क्योंकि वो ऐसा सोचते है कि यदि मैं ये प्रस्तुत करूंगा तो लोग सोचेंगे कि ये तो सेक्युलर है सांप्रदायिक है कृष्ण को ही मानता है इसीलिए वो लोगों का मत लेने के लिए अभी मैं लोगों को ऐसा समझाऊंगा फिर बाद में उसको बोलूंगा कि कृष्ण भगवान है और वो बाद कभी नहीं आएगी उसकी समझे तो ये अज्ञान का प्रसारण है इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं परंपरा में हूँ इसलिए मैं जो भी बोलूंगा वो परम सत्य ही हो गया ऐसा लोग ऐसा समझते हैं भाई अरे तो अपनी परंपरा में है और वो कथा करते हैं बहुत अच्छी कथा करते हैं परंपरा लेकिन क्या बोलता है वो समझना है तो मायावदी की और ये प्रोफेशनल कथाकार की तो बात नहीं कर अपनी भी बात कर रहे हैं तो ये हमें समझना चाहिए दूसरा पॉइंट एक बहुत सुंदर चीज सब सुंदर है लेकिन दूसरी क्या है कि जब हम अंधेरे में रहते हैं ना तो हमें डर लगता है तो बात कहते हैं कि एक तो भूत प्रेत का भी डर लगता है भूत होगा और ये बिच्छू फिर सांप, हाँ अभी तो बिच्छू सांप यहाँ नहीं आएगा लेकिन गांव में रहते हैं तो सांप, बिच्छू इसका डर लगता है अंधेरे में लेकिन जैसे ही सूर्य उदित होगा सब डर चला जाएगा भूत प्रेत का डर भी चला जाएगा है ना ये अज्ञान के अंधकार में हमको हम इसीलिए भयभीत रहते हैं अज्ञान की वजह से हम भयभीत रहते हैं मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा मेरा पालन पोषण होगा कि नहीं कल क्या होगा मेरा भय रहता है ये भय क्यों होता है क्योंकि हम समझते कि कृष्ण प्रोटेक्शन नहीं कर सकेगा हमारा लेकिन जैसे हम कृष्ण के संपर्क में आएंगे तुरंत ये भय निकल जाएगा ये दूसरा पॉइंट हमको समझ लेना है तो हमें जब भय लगता है तो हमें समझना चाहिए कि हम अज्ञान है हमारे में भय लगता है कि कल मेरा क्या होगा हुँ? मेरा पालन पोषण होगा कि नहीं ये अज्ञान लगता है इसीलिए लोग पैसे लाओ पैसा 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 सब पैसा इकट्ठा करो कल मेरा अच्छा रहेगा ये अज्ञान है वे हमारे भक्ति में नाश करेगा इसीलिए ज्यादा भक्त लग जाते हैं कम पैसा कमाने में मैं अच्छी तरह अभी पैसा कमा लू और फिर लास्ट में भक्ति अच्छी तरह करूंगा ये भी माया है क्यों क्योंकि वो अंधेरे में है उसका ऐसा है कि मेरा पिछले अभी मैं भक्ति करूंगा तो मेरा पीछे का जन्म है ना वो अच्छा नहीं जाएगा पैसे मेरे पास नहीं होगा मेरे खाने की तकलीफ हो जाएगी ये भी अज्ञान है ये बिच्छो का डर होता है ना अंधेरे में ऐसे ही में ऐसा है हमारा अज्ञान है कि भगवान हमें हमारा पोषण नहीं करेगा जब हमारा भगवान के प्रति श्रद्धा कम होती है हुँ? तब हम अज्ञान में रहते हैं और जैसे हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है हमें बिल्कुल भय नहीं रहता प्रभु भागवतम स्कंद लेके गए थोड़े आलू लेके गए अमेरिका कैसी ऐसी, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए क्या होगा अरे अमेरिका जाना है हमको कितना व्यवस्था करना पड़ेगा प्रभुपात कुछ नहीं न कोई पैसा था एक लेटर था वहांरशिप लेटर के हम हम इनको बुलाते हैं करके एक, एक लेटर था बस इतना लेके प्रभुपात गए सोचिए ये श्रद्धा इसको श्रद्धा बोलते हैं ये श्रद्धा यानी सीधा कृष्ण के प्रकाश में रहना कृष्ण के ज्ञान के प्रकाश में आना उनको कोई डर नहीं रहता है तो हमें वो लेवल पर पहुंचना है अभी हमको डर है क्योंकि हम पूर्ण रूप से कृष्ण प्रकाश में नहीं अभी अभी हम अंधकार में अंधकार में इसीलिए धीरे धीरे हम सूर्य के प्रकाश में कृष्ण के ज्ञान के प्रकाश में आएंगे धीरे धीरे भागवत हम गीता पढ़ते रहेंगे ऐसे ही हमारा अज्ञान का अंधकार दूर होगा और हम भगवान पे पूर्ण विश्वास करेंगे पूर्ण विश्वास अभी तो हम हमारे पर समस्या आती हम किसी दूसरे को ढूंढते इसने समस्या लाई उसने समस्या लाई है ना लेकिन जब हम पूर्ण से ज्ञानी हो जाएंगे तब हम सोचे नहीं नहीं इसकी वजह से ये तो निमित मात्र, मात्र है इससे समस्या नहीं हुई है ये तो निमित बना है कृष्ण मुझसे यही चाहते थे कृष्ण मेरी कसौटी करना चाहते कृष्ण मुझे स्ट्रांग बनाना चाहते इसको बोलते ज्ञान का प्रकाश हम किसी और पे दोषारोपण नहीं करेंगे ये सब चीजें है बहुत अच्छा समझा है आ, तो यहां विध्या शब्द प्रोबल लिखते हैं कि विध्या यानी तुम जान लो ये सब चीज तुम जान लो कि मेरे संपर्क के बिना मेरे से जो संबंधित नहीं है ऐसा तुमको जो लगता है वो आप वास्तविकता नहीं है तो तुम वो वास्तविकता नहीं है तुम इसे मेरी माया जानो और तद विद्या आत्मनो तुम विद्या प्राप्त करो आत्मनो मेरी यही बात है तुम मेरे से ज्ञान प्राप्त करो तद विद्या आत्मनो माया मतलब मला। क्या जानो तुम ये ज्ञान प्राप्त करो कि तुम ये ज्ञान प्राप्त करो कि जो मेरे संबंधित नहीं है वो माया है ये पूरा आजकल ये श्लोक का सार है कि तुम ये ज्ञान प्राप्त करो हुँ? कि तुमको जो चीज मेरे संबंध से नहीं लग रही तुम वो माया है और यदि तुम उसको मेरे संबंध से देख रहे संबंध के बिना देख रहे तो तुम माया में हो ये इस श्लोक का सार है हु? और इसको कैसे दूर कर सकते हैं तो यहाँ प्रभुपात कहते हैं कि भगवान का यह प्रत्यक्ष आदेश उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है जो ब्रह्मा जी को दिया और जो अर्जुन को दिया वो अंतरंग शक्ति का आदेश है और इसी शक्ति विशेष द्वारा भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया जा सकता है तो भगवान के अंतरंग भगवान ने अपनी अंतरंग शक्ति से ब्रह्मा जी अर्जुन को आदेश दिया और वो आदेश हमारे पास भागवतम और गीता के रूप में उपलब्ध है ये पूरा भागवतम ये चार श्लोक में भागवतम ब्रह्मा जी को दिया अभी ये चार श्लोक को समझना है बस तो हम भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं दर्शन किया जा सकता है ऐसा नहीं है अभी प्रभुपात कहते हमको सांत्वन दे रहे हैं हम सोचेंगे हम कैसे ब्रह्मा जी के साथ दर्शन कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि केवल ब्रह्मा को ही ऐसा अवसर प्राप्त हो तो जिस किसी पर भगवान की कृपा होती है वह अंतरंगा शक्ति के द्वारा कल्पना के बिना ही भगवान का साक्षात्कार कर सकता है यह महत्वपूर्ण पॉइंट सिर्फ ब्रह्मा जी ही भाग्यशाली है ऐसा नहीं है हम भी भाग्यशाली है यदि हम पर भगवान की कृपा होगी तो और हम पर कृपा हो गई है दीक्षा के माध्यम से गुरु दीक्षा के माध्यम से और हमारे पर कृपा करते कृष्ण कृपा करते गुरु देकर ब्रह्मांड भ्रमित को भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज समझे ये इस श्लोक से तीन चीज तात्पर्य में सार रूप ये जो अमृत है इस श्लोक का वो यही चीज है हुँ? ये अमृत है पहली चीज क्या हम गुरु शिष्य परंपरा में है ये कृष्ण की कृपा है और कुछ नहीं है हम ऐसा नहीं समझे मैं अपने हिसाब से भक्ति कर रहा हूं नहीं कृष्ण की कृपा से तुम कर रहे हो और कृष्ण कृपा देते दे गुरु के द्वारा तो ये पहला पॉइंट है दूसरा हमें श्रद्धा रखनी चाहिए हमें अंधेरे में नहीं रहना चाहिए कि भाई मेरा क्या होगा क्या होगा कुछ नहीं होगा तुम भक्ति करो और भक्ति के माध्यम से हमारा सब कुछ कल्याण होगा और तीसरा चीज भगवत गीता और भागवतम के प्रकाश से ही हम इस माया के अधिकार से दूर हो सकते हैं किसी आ, अपने विचार देने वाला मनो कल्पना से अपना विचार देने वाला तथा कथित कथाकार से हमको ज्ञान नहीं होगा तीन चार चीज हमको बहुत अच्छी तरह समझनी है हमारा बड़ा कल्याण होगा हरे कृष्णा शिमत भागवतम की जाय प्रभुपाद की जय